अपनी स्थापना की 28वीं वर्षगांठ मनाने के अवसर पर इंडियन सोसाइटी फॉर क्रिटिकल केयर मेडिसिन यानी ISCCM ने भारतीय चिकित्सकों को निकट भविष्य में क्लिनिक शोध में अग्रणी रखने के प्रयास के लिए 2 दिवसीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया। बुद्धिजीवियों के इस विमर्श में फिजिशियनों, विशेषज्ञों, नर्सों, तकनीशियनों समेत चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े 150 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। चिकित्सा से जुड़े समस्त पेशेवरों ने उन दिलेर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जिनकी जिंदगी निर्दयी महामारी ने असमय ही छीन ली। साथ ही सभी पेशेवरों ने उनके निधन से परिजनों को हुई अपूर्णीय क्षति की भरपाई का भी संकल्प लिया। इस विमर्श में अस्पतालों में क्रिटिकल केयर यूनिट यानी CCU का महत्व बताया गया, जो मरणासन्न स्थिति के मरीजों की जान बचाने के लिए जीवनदायिनी साबित हुई। सत्र में यह भी बताया गया कि कुशल और तकनीकी रूप से उन्नत ऐसे केंद्रों की सख्त जरूरत होने के बावजूद इस मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं हुई। ISCCM का एकमात्र मकसद क्रिटिकल केयर मेडिसिन के क्षेत्र में निरंतर शिक्षा, ज्ञान का विस्तार और दक्षता विकास को जारी रखना है। इसका प्राथमिक कार्य क्रिटिकल केयर मेडिसिन के सभी प्रैक्टिशनरों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है ताकि शैक्षणिक हितों पर नियमित चर्चा के साथ नई अवधारणाओं को और विचारों को भी कार्यान्वित किया जा सके। इंडियन सोसाइटी फॉर क्रिटिकल केयर मेडिसिन के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक गोविल ने कहा कि हमारी शोध शाखा बहुत ही सक्रिय है और बड़ी तेजी से आधार बना रही है। इसी लिहाज से हमारा मानना है कि देश में नई पद्धतियों और अध्ययन के तौर पर नए तरीकों की खोज के लिए युवा फिजिशियनों को प्रोत्साहित किया जाए और इस क्षेत्र के वरिष्ठ सहयोगियों के मार्गदर्शन में मौजूदा पद्धतियों में सुधार लाने की साधन तलाशे जाए। मेरा नाम डॉक्टर दीपक गोविल है। आज हम आप सबको बताना चाहते थे कि हम यहाँ किस लिए उपस्थित हुए हैं। आज हमारी इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन का 28वां स्थापना दिवस है। इस अवसर के ऊपर हमने करीबन 125 डॉक्टर्स बुलाए हुए हैं, जो कि पिछले 2 सालों में जो डेटा कलेक्शन हुआ है, रिसर्च हुई है, उनका डिस्कशन होगा और आगे हम क्या रिसर्च कर सकते हैं उनके ऊपर डिस्कशन होगा। साथ ही साथ हमने आज जो हमारे साथी कोरोना के अंदर फ्रंटलाइन में काम करते हुए जिनकी डेथ हुई है, हमने उनकी फैमिलीज़ को भी बुलाया हुआ है, उनको हम सम्मानित करेंगे। कितनी फैमिली? करीबन 7 फैमिलीज़ हैं, जिसमें से 6 फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई हैं, ऊपर उपस्थित हैं। और डेटा हमारे पास, ये 125 डॉक्टर्स हैं, उसमें हर आदमी अपना अपना डेटा शेयर करेगा, तो ये उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा कि क्या डेटा शेयर हो रहा है। तो इसमें 3 चीज़ें हम मेनली कंपेयर कर देख रहे हैं डेटा में, कि हर आदमी का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या उसको लगा कि क्या अलग किया जा सकता है, नया कुछ किया जा सकता है कोरोना में। और दूसरा हम ये कंपेयर देखेंगे कि हम आगे क्या क्या ऐसी अवसर हैं जहाँ पर नॉलेज गैप्स हैं, जिन गैप्स को कवर करने के लिए आगे की रिसर्च प्लान करी जा सकती है। और ये तो रहा कोरोना से, हम साथ में ये भी देखेंगे कि ICU में नॉन कोरोना से रिलेटेड क्या स्टडीज़ करी जा सकती हैं जो हमारी गैप्स हैं, क्योंकि कोरोना के अलावा भी इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आज की डेट में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, तो उन चीज़ों के ऊपर भी हमें काम करना है कि उनसे हम मॉर्टिलिटी कैसे घटा सकते हैं, कमी ना हो, इसलिए ऑक्सीजन प्लांट्स आए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक हुए हैं, सारे लोगों को पता है कैसे। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो सोसाइटी ने भी हेल्प की है कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन, जो हम लोग ऑक्सीजन स्टुअर्डशिप बोले हैं, उसके ऊपर हमने बहुत ट्रेनिंग की है कि ऑक्सीजन का वेस्टेज ना हो। एक तो हमने सप्लाई बढ़ाया है, डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर किया है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने वो भी ट्रेनिंग दी है ताकि जितने भी ऑक्सीजन हमारे पास हो उसका सही यूटिलाइजेशन हो, कोई वेस्टेज ना हो। तो ये 3 चीज़ मिला के इस बार हम लोग सब तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, आप तो मशीन खरीद लोगे, वेंटिलेटर खरीद लोगे, ऐसे डिफ़िकल्ट मशीन्स आपके पास आ जाएंगे, गवर्नमेंट के पास पैसा है, सब है, लेकिन उसके चलाने के लिए जो चाहिए, जो टेक्निकल पीपल चाहिए, उसका ट्रेनिंग एक दिन में नहीं होता, मशीन एक दिन में आ सकता है। तो वो ट्रेनिंग के बारे में सोसाइटी सबसे बड़ी काम कर रही है।